आने वाले लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहली बार दो अलग राज्यों की तरह हिस्सा लेंगे। लोकसभा में 42 सीट के साथ आंध्र प्रदेश का किसी भी दल की जीत में बड़ा हिस्सा होता था। गो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ पंकज पचौरी ने लोक सत्ता पार्टी के नेता और सम्मानित समाजसेवी डॉक्टर जयप्रकाश नारायण से बात की। उनका कहना है कि उत्तर भारत के राष्ट्रवादी उन्माद का दक्षिण के राज्यों पर ज्यादा असर नहीं रहेगा। नमस्कार, हम यहाँ हैदराबाद में हैं, बेगमपेट में, और हमारे साथ में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण हैं, जो कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी चलाते हैं, और मैं कह सकता हूँ बड़े फख्र के साथ इसका नाम लोक सत्ता है। और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, और रिफॉर्म्स के लिए, सुधारों के लिए उनका काम जो है वो जगह जगह सराहा गया है। और चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, लेकिन देखना है कि इस चुनाव में, जबकि पहली बार आंध्र प्रदेश जो है दो राज्यों में बढ़ चुका है आम चुनाव से पहले, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसमें क्या मुद्दे हैं और वो मुद्दे क्या असर डाले। जयप्रकाश जी, उत्तर भारत में कम से कम ये है कि इस समय जो लहर है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, हाइपर नेशनलिज्म की, या एक माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनको बुरा दिखाने की, वो उत्तर भारत में चल रही है, क्या वो लहर जो है और क्या वो मुद्दे जो है दक्षिण के जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र भी है, क्या ये मुद्दे यहां पर भी असर डालेंगे? मेरे ख्याल में इसका प्रभाव बहुत कम होगा दक्षिण में, क्योंकि बॉर्डर से दूर है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कभी भी नहीं था यहां, और यहां कई चारित्रिक कारणों से, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, यहां समाज में थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म, थोड़ा सा इक्वालिटी और सब लोगों का मौका देना, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां रोजगारी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्म सेक्टर, खेती और खेती, ये बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि कितना इतना नुकसान पहुंचा है, इसका क्या करना है, इसके अराउंड दिस विल बी चुनाव के आसपास होगा। और एक नेगेटिव मुद्दा है, वो है फ्रीबीज, बहुत बड़ा फ्रीबीज चल रहा है दक्षिण में, उत्तर भारत से और ज्यादा है, जब पैसा ज्यादा है तो सरकारें दे सकती हैं, पर बहुत ज्यादा, 10,000 करोड़ दे दो, 50,000 करोड़ दे दो, 25,000 करोड़ दे दो, इतना जनता के लिए डायरेक्टली जैसा पैसा मांगना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बढ़ाना, रोजगारी कैसा बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को कंजम्पशन के लिए पैसे देना सरकार द्वारा जो है वो आप कह रहे हैं ठीक नहीं है, अगर उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा, हमारा शक्ति कैसा बढ़ाना है और हमारा इनकम कैसा बढ़ाना है, इसमें राजनीति दल, ये मुद्दे इसमें है। क्या कोई परिवर्तन, क्या बदलाव दिखाई देता है आपको कि तेलंगाना में जिस तरह से अभी वोट हुआ था राज्य के चुनावों में, और केसीआर जीते थे, उनकी पार्टी जीती थी, उसमें कोई बदलाव आ सकता है आम चुनाव में? तेलंगाना में केसीआर तो बहुत जबरदस्त यहां जीती है, लोकसभा में भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में पिछले 35 साल में, 35 ईयर्स में, जैसा जनता असेंबली में वोट करते हैं वैसा ही लोकसभा में, वैसा ही पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में वोट करते हैं, क्योंकि जनता के मन में पंचायत और पार्लियामेंट के बीच में फर्क नहीं है, ये बहुत मिक्स्ड अप पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन तो मुद्दे क्या है, क्या ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे समस्या केसीआर के साथ में ये है कि हैदराबाद शहर में कम से कम इसमें 7 विधानसभा की सीटें थी, और 7 सीटें जो है उन्होंने अपने साथी को दे दी थी, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को। एक तरफ वो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो एमआईएम के साथ में जाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो लीडरान हैं दिल्ली में हो चाहे यहां पर हो, वो मुस्लिम लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं ना कहीं पे केसीआर अटकेंगे इसमें? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कई लोगों को कुछ नुकसान पहुंचेगा मैं यहां का, लेकिन जो पार्टियां पोलराइज करने चाहते हैं
हिंदुओं को और मुसलमानों को, ये दोनों पॉलिटिकली राजनीति में बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि जब MIM बढ़ाते हैं बीजेपी को भी लाभ मिलता है, जब क्योंकि उनका जो वोट बैंक उनके पता नहीं पाता। अगर हिंदुओं को आप इकट्ठे करके पोलराइज करने चाहते तो मुसलमानों को वो पोलराइज करेंगे, वो मुसलमान को पोलराइजेशन देख के हिंदुओं में आप अपना प्रभाव। सिक्के का दो पहलू जैसे हम कहते हैं, इसीलिए वो उसको लोग कहते हैं इसको नहीं हो पाए, क्या करते हैं जो कहते हैं वो मत देखिए और जो करते हैं उसके बारे में आप सोचिए। तो ये हालात बहुत ही संक्षिप्त में हिंदी में हमने बात की, अंग्रेजी में जो बात है डॉक्टर जयप्रकाश से वो हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं लंबी बातचीत इस बारे में। लेकिन फिलहाल हैदराबाद से इतना ही, मैं हूं पंकज पचौरी, गो न्यूज़।